चलिए, सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई विल शेयर माय स्क्रीन। तो हम लोगों ने अभी अभी तक के स्टैटिस्टिक्स का, हम लोग ने जो बेसिक वाला चैप्टर है, दैट इज द स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना, उतना पढ़ा है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड फ्रॉम टुडे वी विल गो इनटू द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना, कि स्टैटिस्टिक्स को किस तरीके से हम लोग एज अ टूल यूज कर सकते हैं। सो मतलब विद इन दैट, विद इन द बिगर टूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वॉट आर द स्मॉलर टूल्स अवेलेबल। ओके, बहुत सारे छोटे छोटे तरीके हैं, चीजें हैं जो स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों के पास में अवेलेबल है। तो वो क्या क्या है, एक एक करके हम लोग सभी चीजें बेसिक से लेकर के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तक के देखेंगे। द थिंग इज कि बहुत ज्यादा हाई फाई स्टैटिस्टिक्स आपके लेवल पे आपके कोर्स में है ही नहीं। सो जो स्टैटिस्टिक्स आप लोग पढ़ने जा रहे हो वो बेसिक ही रहेगा। ओके, उसमें हाँ हो सकता है कभी कभी आपको दिक्कत जाए, कभी इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया है वो थोड़ा सा टफ फ्रेम किया है, बट देन अगर आप उसको शुरुआत से प्रॉपर अप्रोच बना करके पढ़ते हो, काम करते हो, यू विल रियली एंजॉय। मतलब आपका स्टैटिस्टिक्स एक बहुत स्ट्रांग सब्जेक्ट बन जाएगा, जिसमें आपको 40 मार्क्स का है तो यू विल बी डेफिनेटली एबल टू स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स। ओके, तो स्टार्टिंग से इसको कंट्रोल में रखो। अभी तो फर्स्ट चैप्टर था तो इट वॉज वेरी ईजी। नाउ फ्रॉम टूडे वी विल स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। ओके, सो कंशन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन का आपने पूछा, इट इज जस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम। ओके, जस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम, जैसे नंबर ऑफ मंथ वाइज कर दिया या आपने नंबर ऑफ या ईयर वाइज कर दिया आपने, तो वो कि कौन से ईयर में कितना प्रोडक्शन है, कितना सेल्स है। सो नाउ व्हेन आई से सेंट्रल टेंडेंसी एंड ऑल दीज थिंग्स, आई अज्यूम दैट मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट एवरेजेस, मीन, मीडियन एंड मोड। But still, when I will be taking this class, I will be taking it for those students who have not done these things. Okay, आप में से कई स्टूडेंट होंगे जिन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स ऑफिशियली पढ़ाई किया ही नहीं, तो हो सकता है कि वो लोग इस तरीके के मेथड्स को या इस तरीके के टूल्स को जानते ही नहीं होंगे। सो उन लोगों के लिए मैं पढ़ाऊंगा, बाकी लोगों को हो सकता है कुछ चीज़ें इनिशियली बहुत ईजी लगेगी। सो दैट डज नॉट मैटर, ईजी लगती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, आपने और क्लासेस में ध्यान देना चाहिए, है ना, कि क्या हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक सिंपल सा बात पूछता हूँ कि आपने ये वाला वर्ड तो सुना ही होगा, यस yes, ये वर्ड जब मैं लिखता हूँ एवरेज, तो आपके दिमाग में क्या क्या वर्ड्स आते हैं, क्या क्या आपके दिमाग में आता है? ओके, जस्ट जस्ट लेट मी नो। आप माइक ऑन करके बोलो, बोल सकते हो, आप चैट में लिख सकते हो। जब मैं एवरेज ही वर्ड बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या क्या नेक्स्ट थॉट क्या आता है एवरेज से, बताइए। मीन। ओके, मीन, हाउ मीन यू आर, और कोई भी चीज का एवरेज, मीनल वैल्यू, कोई भी चीज का एवरेज, कोई भी चीज, मिड वैल्यू, एवरेज, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, कौन सी टाइप की चीज भाई, अमूल की चीज? कोई भी चीज का एवरेज। ओके, मिड वैल्यू, मिडल वैल्यू, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ओके, सेंटर, 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 सेंटर वैल्यू। ओके, सेंटर की स्पेलिंग में मुझे हमेशा ही कंफ्यूजन रहा, आप में से जो स्टूडेंट सेंटर पॉइंट स्कूल के, जरा वो लोग इस पे हाईलाइट करेंगे मुझे बाद में। ओके, सी इट्स अ टू वे प्रोसेस, हाँ, कुछ चीजें आप मुझसे सीख रहे हो क्योंकि मैं आपसे 10-12 साल पहले पैदा हुआ, कुछ चीजें मैं आपसे सीख रहा हूँ क्योंकि आप मेरे से 10-12 साल लेट पैदा हुए, तो आप लोग कई चीजों में ज्यादा अपडेटेड हो। वैल्यू विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल डेटा गिवन, वेरी गुड। तो जो लास्ट तीनों आंसर आए हैं वो रिप्रेजेंटेशन से संबंधित है, a value representing the whole, very good, bahut badhiya. Okay, it is a value, average is a value, iska matlab
रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, बहुत अच्छा, नॉर्म, ओके, एवरेज. अमान ने कहा कि नॉर्म, बोलते जाइए बोलते जाइए, आपने एवरेज वर्ड बोलता हूँ. आई डोंट वांट मच समेशन. समेशन, समेशन की इंफॉर्मेशन, क्या बोला आपने? समेशन, समेशन, ओके. पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंसी सर, टिपिकल परसेंटेज, ओके, टिपिकल कंपैरिजन, ओके, इट इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन, वेरी गुड. सो वैल्यू परसेंटेज, वैल्यू परसेंटेज, ओके, गेटिंग लो मार्क्स एंड ऑलवेज सर अलाइन, वेरी गुड कुणाल. सो एवरेज में एक एवरेज स्टूडेंट होता है, तो कुणाल ये पर्सनल आप बीती है कि जस्ट किसी के लिए बोल रहे हो? सर दो एक्सट्रीम्स के बीच की वैल्यू, ओके, वैल्यू बिटवीन एक्सट्रीम्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग. जस्ट आपके मन में जो है वो सामने निकाल के लाओ. कॉमन, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. देखो जैसे कुणाल ने बताया ना कि स्टूडेंट्स के केस में एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं, तो ये एवरेज के मुझे ना रियल लाइफ के जो यूजर्स है एप्लीकेशन से वो चाहिए. तो आपने मुझे बहुत अच्छे से स्टैटिस्टिकली बताया. कुणाल डोंट वरी, कोई और किसी को पावर मत दो. आप सभी स्टूडेंट को बोलूंगा कि कौन आपको एवरेज बोले, है ना, मार्क्स के बेसिस पे जज करके आपको लोग एवरेज बोलते हैं. अगर डोंट गिव दैट पावर टू एनीबडी. मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि डोंट लेट अ नंबर जज यू, है ना, रेंज लेवल. गुड. सो इनफैक्ट और रियल लाइफ में एक स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं. माइक ऑन करके परेशान करना है, ऑफ कर दिया, कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में. फिर और बोलो. तो अब इसके एप्लीकेशंस आपने बहुत प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ पर देखे हैं? आप लोग नहीं बताओगे तो मैं ऐसा एप्लीकेशन बताऊंगा, फिर आप लोग बोलोगे अरे हाँ. अलाइन डिवाइडिंग टू थिंग्स, अलाइन डिवाइडिंग टू थिंग्स, इसका मतलब कि ऐसे दो चीजें हैं, ओके, एक लड़का है और एक लड़की है, और अलाइन डिवाइड कर दिया ऋषभ, राइट, और फिर उसको लाइन को अगर रब कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसको अपन बोलेंगे रब ने बना दी जोड़ी, है ना, क्योंकि रब कर दिया ना लाइन को. स्टैंडर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके, एवरेज टी एम पी क्वांटिटी, ओके, ओके, गुड. हर्ष बेटा, पता नहीं आप लोग माइक ऑन करके कैलकुलेटर की आवाज क्यों निकालते हो, ऐसा लगता है कि ये पूरे वर्ड्स का एवरेज निकालने बैठ गए हो. एवरेज टाइम फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क, ओके, वेरी गुड. मानसी ने बोला कि एवरेज टाइम फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क, ओके, वेयर इन रियल लाइफ यूज दिस थिंग्स. ऋषभ को तो मैं मीटिंग से निकाल दूं, माइक ऑन बिना कुछ बोले बस डिस्टर्ब कर रहे हैं. ग्रेट. एवरेज रेनफॉल, डिवाइडर ऑन द रोड, क्रिकेट में बॉलर का एवरेज, अरे भाई भारत, ये हुई ना बात, बैट्समैन का भी एवरेज होता है ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा का एवरेज. अब आप लोग अब सही बातें कर रहे हो. टेम्परेचर का एवरेज, एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, एवरेज रेनफॉल, गुड. सो बेसिकली कितने सारे प्रैक्टिकल उसके बेसिक यूजेस हैं. अब जैसे कि मेरा बेटा तो अभी सिर्फ 8.5 महीने का है, अब हमको डॉक्टर को आज फोन करके ना उसके बारे में बताना है. एवरेज स्कोर ऑफ मिस यूनिवर्स, ओके. सो अब क्या है कि हमको ये बताना है कि सर वो खाना खाता ही नहीं है, है ना. अब वो पेरेंट्स जो कंप्लेन करते हैं वो शुरू हो गई हमारे घर में कि खर सर वो तो खाना खाता ही नहीं है. तो अब वो खाना खाता ही नहीं है, ये हम लोग किस बेसिस पे बोल रहे हैं? क्योंकि अगर पूरे हफ्ते भर का रिकॉर्ड देखे तो उसको एवरीडे की 4 मील्स रिकमेंड की गई है. अब उसको 4 बार अगर खाना खिलाने जाए तो उसमें से मान लो वो 2 बार खाता है, और 2 बार भी थोड़ा थोड़ा खाता है, बाकी 2 बार तो बहुत नखरे करता है. तो एक जनरल एक्सपीरियंस से भाई नॉर्मली वो खाना नहीं खाता है, ये हुई ना बात. अब आप लोग ला रहे हो एवरेज रेट, ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री, एवरेज ऑफ कार पासिंग परसेंटाइल, ऑन एन एवरेज हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी इन अ डे, वेरी गुड कंचन. द नंबर विच अकर्स फ्रीक्वेंटली, एवरेज कंजम्पशन ऑफ डेटा, वेरी गुड. शिवम कितना यूजफुल है ये, है ना. उस बेसिस पे अपन डिसीजन लेते हैं कि अगले बार का पैक
2 GB का लेना कि 3 GB का लेना कि 4 GB का, आजकल 4 GB का भी शायद आ गया है, नॉर्मल पीपल की एवरेज अर्निंग, वेरी गुड। सो ये बहुत ज्यादा बेसिक चीज है एवरेजेस, जिसका हम लोग कितना यूज हमारे हर डिसीजन में, हमारे हर टाइप के वर्क में करते हैं, इजंट इट, हर टाइप की कन्वर्सेशन में करते हैं कि भाई नॉर्मली ऐसा होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर सेट, ब्रिलियंट प्रार्थना एंड एवरेज स्लीपिंग आवर्स। अंबरीश, मैं तो मेरे एवरेज स्लीपिंग आवर्स बचपन से ट्रैक करते आ रहा हूँ, जब मैं स्टैंडर्ड थर्ड वगैरह में था, शायद मैं 9-10 साल का था, तब से ही मैं डायरी में बिल्कुल कितने बजे सोया, कितने बजे उठा ट्रैक करता हूँ। आजकल तो मोबाइल में अपने आप ट्रैकिंग हो जाता है। अब आप लोग मजेदार बिल्कुल लिख रहे हो, एवरेज इनकम, एवरेज मॉर्निंग वॉक अपीयर्ड, वाह रे वाह कुणाल, एवरेज बजट फॉर हाउस होल्ड पर्पस, वेरी गुड, एवरेज ऑफ टेम्परेचर इन मंथ, एवरेज इनकम, एवरेज एक्सपेंस, एवरेज सेविंग, बहुत बढ़िया। सो यस बेटा, एवरेज लुक्स ओके, ये सो एंड सो दिखता है, सो दिखता है, एवरेज दिखता है ऐसा, एवरेज इंक्रीज इन पॉजिटिव कोरोना केसेस, एवरेज कोरोना वायरस डेथ रेट, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में डिस्कशन कर रहे हैं और कोरोना नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज स्क्रीन टाइम, वेरी गुड, एवरेज डेथ ड्यू टू कोरोना वायरस, हाँ मेरे इंस्टाग्राम में भी एवरेज स्क्रीन टाइम दिखाता है वो, ओके जरा मैं देखूँ मेरा एवरेज स्क्रीन टाइम पिछले हफ्ते का क्या है, आप लोगों को भी दिखता होगा या एवरेज यूजेज ऑफ इंस्टाग्राम दिखता है? उठे गेला रे, कहाँ से जाना पड़ता है, अपने प्रोफाइल में जाना पड़ता है और फिर योर एक्टिविटी, हाँ मेरा एवरेज है 42 मिनट इंस्टाग्राम में, लेकिन उसमें से पिछले 3 दिन का तो ज़्यादा नहीं है, संडे के दिन 1 hour 53 minutes, पता नहीं संडे के दिन, अच्छा मेरा इंस्टाग्राम लाइव का सेशन था। एवरेज सिंगर इन हर ट्यूशन, ये क्या होता है भाई, एवरेज सिंगर, एवरेज फुटस्टेप्स अचीव्ड, एक दिन में कितने कदम चले, वेरी गुड, एवरेज इम्यूनिटी, एवरेज सेल्स, वेटेड एवरेज मार्केट इंडेक्स, एट यजनेश एकदम कुछ बोलना तो बढ़िया बोलना, नहीं तो नहीं बोलना, एवरेज ऑफ व्हीकल इन 1 liter पेट्रोल कितना चलेगी, है ना, कितना देती है, एवरेज स्लीपिंग टाइम, एवरेज पासिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन सीए फाउंडेशन, वेरी गुड, कि भाई नॉर्मली कितने स्टूडेंट पास होते हैं। सो अब मुझे मजा आया कि भाई आपको ये कंसेप्ट तो एकदम अंदर तक की बसा हुआ है। सो मैं फ्रेंकली बताऊँ तो इस लेवल पे आप लोगों को मुझे एवरेज क्या होता है वो समझाने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, है ना, बिकॉज यू ऑलरेडी नो एवरेज रन इन क्रिकेट मैच फॉर पर्टिकुलर ओवर्स, है ना, फॉर पर्टिकुलर बैट्समैन, फॉर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर अपोजिशन। एवरेज मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जो कि मोस्टली होती होगी, उसको एवरेज बोल सकते हैं, या एक ऐसी वैल्यू जैसे कि आपने कहा जो कि रिप्रेजेंट करती है, अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जो कि हमारे पूरे डेटा को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर देती है, सो दैट हम लोग उसको यूज करके डिसीजंस ले पाए। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द कैलकुलेशंस, लेट मी रिमाइंड यू फॉर एवरी चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं, आई टोल्ड यू आई थिंक ऑन द फर्स्ट डे इन आर इंट्रोडक्टरी सेशन, कि हमारी हर चीज वाई से शुरू होना चाहिए, वाई हाउ एंड देन व्हाट। तो हमारा जो वाई है, तो वाई है स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, जस्ट क्योंकि हमारे सिलेबस में है 40 मार्क्स लाना है, इज दैट द रीजन? द आंसर इज नो। वाई आर वी स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स? सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट विच गिव्स अस टूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। Statistics is nothing but in itself a bigger tool which consists of many, many small elements which help us in making decisions, financial decisions and so many decisions, okay, management decisions and every kind of decisions in life. तो हम लोग जाने अनजाने में almost ये हर tool का कहीं ना कहीं use करते हैं। हम लोग जितने chapters पढ़ रहे हैं अभी से लेकर के आगे तक के probability तक के, almost हर chapter का कहीं ना कहीं हम लोग बिना टेक्निकलिटीज में गए यूज करते रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम रात को सोते हैं और सुबह का प्लान बनाकर सोते हैं, अलार्म लगा करके सोते हैं, सो एक एक्सपेक्टेशन है कि हम सुबह उठेंगे, हम जगे, हम जिंदा रहेंगे, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन है कि हम जिंदा रहेंगे, प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि भाई देर आर वेरी लेस चांसेस कि अपन रातों रात मर जाएंगे। ओके, सो हम लोग स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किए हैं वहां पर, हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो हम लोग कोई भी चीज के बारे में सोचते हैं, कोई पास्ट एक्टिविटी को हम लोग एनालाइज करते हैं, तो हम लोग जाने अनजाने में वहां पर हम लोग स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर रहे हैं। ऑलराइट,
तो एवरेजेस इज वन सच थिंग जिसको हम लोग बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं जाने अनजाने में. ओके जैसे कि आपने इतने सारे केसेस बताया, पहले आप लोगों ने मुझे टेक्निकल टर्म्स फेंक दिया एकदम उठा उठा के, सर मीन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कंपैरिजन पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंसी, फिर आप लोग बिल्कुल सही बात करने के लिए आए. ये भाई इतने सारे टाइप के जगह पे हम लोग एवरेज को यूज करते हैं एंड द मोर वी नो द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट, हम लोग उसको प्रैक्टिकली भी उतना ज्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे, अवेयर रह पाएंगे. ऐसा नहीं है कि ये जानने के पहले आप एवरेजेस अप्लाई नहीं करते थे. जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी आपने नहीं पढ़ा, उसके पहले भी आपके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई होती थी. वैसे ही एवरेज का जो कंसेप्ट है आपने पढ़ा नहीं, उसके पहले भी एवरेज का जो कंसेप्ट है वो आपके लिए अप्लाई होता ही था, है ना, कोई बड़ी बात नहीं. सो बेसिकली आप खुद भी उसको अप्लाई करते थे हर डिसीजन मेकिंग में. वेरी गुड, ब्रिलियंट. ओके बट यू नो दैट एवरेज एक चीज होती है, बट रियल लाइफ में डेटा कैन बी इवन फार अवे फ्रॉम एवरेज. बट फिर भी हम लोग एवरेज को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? जैसे कि हम लोगों को आईपीएल के लिए टीम सिलेक्ट करना है. ओके अब आईपीएल तो अब शायद इंडोर प्रीमियर लीग बन के रह जाएगी, है ना. अब इस साल होगी तो शायद चांसेस तो कम ही है, और अगले साल से होगी जब भी होगी. सो इंडियन प्रीमियर लीग की जगह इंडोर प्रीमियर लीग बन जाएगी. तो उसके लिए अपने को मान लो प्लेयर सिलेक्ट करना है. उसके लिए आई एम अ गुड कैंडिडेट, ओके, इंडोर क्रिकेट में अच्छा खेल लेता हूँ, लेकिन हो सकता है वहां पर विराट कोहली का परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना रहे, हो सकता है राहुल शर्मा उतना अच्छा ना खेल पाए, हार्दिक पांड्या उतना अच्छा ना खेल पाए. तो आपको सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से देखना होगा कि वो वाले सर्कमस्टेंसेस में नॉर्मली कौन से बैट्समैन का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है. सो नॉर्मली ज्यादा अच्छा है, जब मैंने नॉर्मली वर्ड बोला, आपने नॉर्म वर्ड बोला, इसका मतलब आपको देखना है कि उसने प्रीवियसली क्या क्या परफॉर्मेंसेस दिया है, उसके थ्रू हम लोग एनालाइज करेंगे कि नॉर्मली क्या करता है. ओके नॉर्मली उसका रिजल्ट कैसा आता है. एक बार के परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हैं, करेक्ट. तो कोई भी चीज एक बार हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जैसे कि आप एक दिन सुबह 6 बजे उठ करके आपने बढ़िया 1 घंटा पूरा प्राणायाम योगा मेडिटेशन सूर्य नमस्कार सब किया, तो वो एक दिन के परफॉर्मेंस से कोई आपकी सेहत तो नहीं बन गई, है ना. या एक दिन परफॉर्म किया, एक दिन बहुत ही परफॉर्म किया, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आप दिन भर एक्सरसाइज कर रहे हो अलग अलग टाइप की यूट्यूब पे वीडियोस देख करके, तो भी आपकी हेल्थ नहीं बन जाएगी. वॉट यू डू कंसिस्टेंटली रेगुलरली दैट मैटर्स एंड दैट इटसेल्फ डिफाइंस योर एवरेज, कि भाई नॉर्मली क्या करते हो आप. सो एवरेज इज वेरी मच यूजफुल. इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द नेचुरल सिस्टम्स, हाउ नेचर वर्क्स. तो हम लोगों को एवरेज एक मैथमेटिकल वैल्यू या क्वांटिटी के रूप में हम लोगों को एवरेज कैलकुलेट करते आना चाहिए, करेक्ट. सो वो चीज हम लोग टूल्स पढ़ेंगे एंड डिपेंडिंग ऑन वेयर वी वांट टू अप्लाई, है ना, कि हमारे पास में क्या क्वेश्चन है, क्या सर्कमस्टेंसेस है, वहां पर हम लोग उसको यूज करेंगे. जैसे हम लोग अगले साल इनकम टैक्स पढ़ेंगे, तो व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू अ पर्सन, इस तरीके की बात करेंगे. हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, उसमें हम लोग एवरेज को अप्लाई करेंगे. हम लोग कॉस्टिंग पढ़ेंगे, तो व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, व्हाट इज द एवरेज मटेरियल कॉस्ट, व्हाट इज द एवरेज लेबर कॉस्ट, हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे. तो कुछ नहीं तो आपके पढ़ाई में ही आगे हर सब्जेक्ट में आप एवरेज का एप्लीकेशन करने ही वाले हो, ठीक है. हम लोग पार्टनरशिप में जाएंगे, तो वो पार्टनरशिप चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कई लोगों ने कॉमर्स में, कि गुडविल का एस्टिमेशन करना होता है, गुडविल का कैलकुलेशन करना होता है. तो हम लोग उसका कैलकुलेशन किस बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स, पास्ट 3 ईयर्स, है ना, इस तरीके से. सो बहुत अच्छा. इनफैक्ट अभी हम लोग डेटा क्रिएट कर रहे हैं. अभी आप जितने मीटिंग चैट में कमेंट्स डाल रहे हो वो सब रिकॉर्ड होता है, एंड आई कैन गो टू द एडमिन पैनल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड आई कैन व्यू कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कमेंट्स, ओके, इन एनी क्लास. ओके आई मीन फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन लेवल दिख जाता है, एक स्टूडेंट ने टोटल कितने एवरेज नंबर ऑफ आवर्स एक दिन में पढ़ाई किया, एक दिन में लेक्चर्स अटेंड किया, सब स्टैटिस्टिक्स मिल जाते हैं, बिकॉज इट इज ऑल डिराइव्ड स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द बेस डेटा, एंड बेस डेटा हम लोग क्रिएट करते जा रहे हैं. सो
बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिया है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, है ना। एवरेज का जो एप्लीकेशन है वो तो हर जगह है, इट इज समथिंग विच इज बेसिक फॉर एनी फर्दर स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारा बेसिक का ही एक्सटेंशन चल रहा है। तो इसमें से चलो कोई एक चीज उठाते हैं, हम लोग उठाते हैं जैसे कि पिया ने लिखा है एवरेज स्पीड ऑफ अ प्लेयर इन प्ले ऑफ अ प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल। तो मैं मान के चलता हूँ कि प्लेयर किस स्पीड से भाग रहा है, आप वो कहना चाहते हो। ओके, चलो ज्यादा सिंपल वाला लेते हैं, एवरेज नंबर ऑफ वेब सीरीज वॉच्ड इन अ वीक। आई होप गुंजन यू आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ अ वेब सीरीज। ओके, ऐसा तो नहीं है कि एक हफ्ते में दो तीन वेब सीरीज ही निपटा दे रहे हो। सो आई होप यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ एपिसोड्स इन अ वीक। तो समझो कि गुंजन जो है वो वेब सीरीज की बहुत शौकीन है। गुंजन वीक नंबर वन में, वीक वन, वीक टू, वीक थ्री, थ्री वीक्स के डेटा को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो से गुंजन ने फर्स्ट वीक में जोश जोश में कम से कम 40 अलग अलग एपिसोड्स देख डाले, है ना, रोज के पाँच छः एपिसोड देख डाले। सेकेंड वीक में गुंजन ने सिर्फ 20 एपिसोड्स देखे क्योंकि अब गुंजन को स्टैटिस्टिक्स का असाइनमेंट मिलने लग गया था। थर्ड वीक में गुंजन ने डिसाइड किया कि क्या असाइनमेंट वगैरह करना, वापस से वेब सीरीज देखना शुरू किया एंड 30 वेब सीरीज देखना देख लिया थर्ड वीक में। और वही दूसरी तरफ एक सिंसियर स्टूडेंट है, ओके, कुणाल, जो बोलता है कि नहीं वेब सीरीज वगैरह क्या देखना, अपन तो अभी स्टूडेंट है, अपन ने तो पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वेब सीरीज में क्या रखा है। तो कुणाल को एक फ्रेंड ने बोला ही था कि भाई देख के बहुत अच्छी वेब सीरीज आई है। ओके, तो कुणाल ने पहले, हाँ, एपिसोड्स, गुड। सो कुणाल ने, क्योंकि वो देखो कुणाल क्या लिख रहा है, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एवरेज चैप्टर। ये क्या होता है एवरेज चैप्टर, अच्छा ये वाला चैप्टर, सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर। सो कुणाल ने पहले वीक में एक भी एपिसोड नहीं देखा। फिर कुणाल को किसी फ्रेंड ने कहा कि नहीं देखना चाहिए तूने, ये वाले दो एपिसोड तो देखना ही चाहिए। तो बेचारे ने दो एपिसोड देखा। और फिर तीसरे वीक में अब कुणाल को चस्का लग गया, बोला बहुत हो गया, मैं पढ़ाई तो कर ही लूंगा, ये सब में कुछ नहीं है, सब मोह माया है, मेरी इतनी सारी वेब सीरीज छूट जाएंगी, बाकी दोस्त लोग आगे निकल जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा। तो कुणाल ने क्या किया, कुणाल ने तीसरे हफ्ते में 10 वेब सीरीज देखा। ओके, सब लोग अपने अपने हिसाब से देखते हैं। अब यू कैन क्लियरली सी कि नंबर ऑफ वेब सीरीज दैट गुंजन इज वॉचिंग इज वेरी हाई और नंबर ऑफ एपिसोड इज हाई एज कम्पेयर टू कुणाल। बट स्टिल वी डोंट हैव वन सिंगल रिप्रेजेंटेटिव नंबर। ओके, तो यहाँ पर आप सबको पता है एवरेज कैसे निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, गुंजन ने पर वीक एवरेज कितनी वेब सीरीज देखी, तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल कर देंगे, टोटल ऑफ टोटल वेब सीरीज वॉच्ड, एपिसोड्स वॉच्ड बाय गुंजन कितने हो गए, 40 + 20 + 30 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वीक्स 3। वेरी गुड, आकांक्षा ने आंसर भी निकाल लिया, 30। तो गुंजन ने एक हफ्ते में एवरेज में 30 वेब सीरीज देखा, कभी 30 देखा, कभी 30 से कम देखा, कभी 30 से ज्यादा देखा। और हमारे कुणाल भाई साहब ने 0 + 2 + 10 डिवाइडेड बाय 3, क्या 12 डिवाइडेड बाय 3, 4 एपिसोड देखा सिर्फ एक हफ्ते में ऑन एन एवरेज। नाउ दिस इज सिंपल अरिथमेटिक मीन, ये चीज आप सबको पता है ना, अरिथमेटिक मीन कि यहाँ पर हम जो इंडिविजुअल वैल्यूज है उसको एड अप करो और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कर दो, टोटल ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑब्जर्व्ड। ओके, पर वीक चाहिए था इसलिए ऐसा किया, आपको पर डे चाहिए तो इसको फर्दर डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा। तो ये जो है कुणाल ने 4 वेब सीरीज एक हफ्ते में ऑन एन एवरेज देखा, लेकिन अगर अपन एक्चुअल रिकॉर्ड में जाकर के देखो तो कोई भी हफ्ते में 4 वेब सीरीज नहीं देखा है, कुणाल ने तो 0 देखा है, या तो 2 देखा है, या तो 10 देखा है। तो ये 4 क्या है, ये 4 एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है जो कई बार एक्चुअल डेटा में पाया भी नहीं जाएगा, और कई बार तो वो नंबर डेसिमल्स में आ जाएगा जहां पर एक्चुअल डेटा डेसिमल्स में पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली डेसिमल्स में पॉसिबल ही नहीं है, इजंट इट सो। मैं बोल सकता हूँ क्या कि भाई चलो एवरेज नंबर आ गया 3.4, आपके फैमिली में 3.4 मेंबर्स रहते हैं, बट 0.4 कहाँ से आ गया। तो इट केम व्हेन वी एडेड अप नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जर्व्ड। वेरी सिंपल, ये सब चीजें आपको समझती है मैं मान के चल रहा हूँ। सो ये जो हम लोग पहले एवरेज की बात कर रहे हैं,
दैट एवरेज इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन बड़ा ही सिंपल है कि इसमें हम लोग कुछ नंबर्स को लो, हम लोग उसी वैल्यू का एवरेज निकाल सकते हैं जिसको, या अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. ओके, कोई ना कोई क्वांटिटी में, कोई ना कोई वैल्यूज में मेजर कर सकते हैं. एंड देन इट कैन हैव एनी यूनिट. ओके, इट कैन हैव एनी यूनिट. जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ वेब सीरीज था तो 20 एपिसोड्स दैट वॉज द यूनिट. ओके, कहीं अगर आप सब्जी खरीद रहे हो तो 2 kg, 3 kg, 1 kg इज द यूनिट. आप मिल्क खरीद रहे हो तो लीटर्स. एवरेज जो यूनिट से, जो नंबर्स है उसका कोई भी यूनिट हो सकता है. ओके, तो ऑब्वियसली आप अगर यूनिट प्लस यूनिट प्लस यूनिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स करोगे तो आपको एवरेज जो है वो भी यूनिट्स में मिलेगा. एवरेज का भी यूनिट रहेगा. करेक्ट और नॉट? द एवरेज विल ऑल्सो हैव यूनिट. ओके, इट विल हैव यूनिट. अरिथमेटिक मीन. अगर नॉर्मली एवरेज वर्ड बोला तो नॉर्मली हम लोग उसको अरिथमेटिक मीन ही समझते हैं. ठीक है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस कभी हम लोग एवरेज को कुछ और भी समझ सकते हैं. ब्रॉडली एवरेज में 3 प्रकार है. एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड. डिपेंडिंग ऑन द यूजेज, है ना, कहाँ पर हम लोगों को किस तरीके का इंटरप्रिटेशन चाहिए. मीन, मीडियन, मोड. करेक्ट. अब मीन के अंदर में 3 प्रकार होते हैं. उसमें से पहला प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन का यूनिट रहेगा, यूनिट सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल वैल्यूज. जो वैल्यूज का यूनिट है वही अरिथमेटिक मीन का यूनिट रहेगा. जैसे अगर मैं कहूं कि सचिन तेंदुलकर का एवरेज 44.5 है, इसका मतलब सचिन तेंदुलकर एक इनिंग में ऑन एन एवरेज 44.5 रन स्कोर करता है. ओके, सो दैट डज नॉट मीन कि कोई भी इनिंग में 44.5 रन स्कोर किया होगा, बट दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर. अपने आप में वो नंबर का एज सच कोई यूटिलिटी नहीं है. जब तक कि मैं सचिन तेंदुलकर के एवरेज को से कोई और क्रिकेटर के एवरेज से कंपेयर ना करूं, या मुझे नॉर्मली क्या एवरेज रहता है वो पता ही नहीं, अच्छे बैट्समैन का क्या एवरेज रहता है, तो वो नंबर का कोई मुझे यूज नहीं है. ओके, सो इट शुड बी कंपेरिजन. इट इज अ वेरी गुड टूल फॉर कंपेरिजन, एंड कंपेरिजन अल्टीमेटली हेल्प्स अस इन मेकिंग डिसीजंस. ओके, एवरेज इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड टूल फॉर कंपेरिजन बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डेटा. ओके, हम लोगों को कोई ना कोई एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड नॉर्म, एक बेसिक तो पता रहना चाहिए जिसके अगेंस्ट में हम लोग उसको कंपेयर कर पाए. ऑलराइट, तो अरिथमेटिक मीन जो हम लोग ने पढ़ा उसका सबसे सिंपल फंडा क्या है कि हम लोग सम कर लो, समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज. ओके, हम लोग वैल्यूज को x1, x2, x3 ऐसा बोल देते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में. एंड हम लोग नंबर ऑफ वैल्यूज को हम लोग n बोल देते हैं. तो समेशन x अपॉन n गिव्स अस द अरिथमेटिक मीन. मतलब कि x की पूरी वैल्यूज जितने रिपीटेशंस हुए हैं उसको ऐड कर दो एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिपीटेशंस या नंबर ऑफ वैल्यूज दैट यू काउंटेड. ओके, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर यू. सो एवरेज कैन बी हियर इट इज पर वीक, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ पर डे बेसिस. हम लोग जीडीपी ग्रोथ की जो बात करते हैं, एवरेज जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया, तो पर ईयर बेसिस पे करते हैं. ग्रोथ रेट नॉर्मली पर एनम रहता है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन विच, इन अंडर विच कंटेक्स्ट वी आर यूजिंग इट. सो समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज, टोटल ऑफ सिंपल अरिथमेटिक टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज. ओके, विल गिव अस द अरिथमेटिक मीन. ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से समझती है. ओके, अभी तक के जो हमने बात किया इसमें किसी के मन में कुछ डाउट है तो बताइए. एनीथिंग इफ यू हैव इन माइंड. अरिथमेटिक मीन का एक लैक्यूना क्या है कि इट मे समटाइम्स गिव यू सच वैल्यूज विच आर नॉट इवन देयर इन द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस, एंड समटाइम्स इट मे गिव सच वैल्यूज विच आर नॉट इवन पॉसिबल टू बी देयर. जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 44.5, सचिन तेंदुलकर की इतनी सारी इनिंग्स को आप चेक कर लो, कोई भी इनिंग में 44.5 रन स्कोर नहीं किया है. आधा रन भाग के रनआउट हुआ है तो उसको आधा रन काउंट नहीं करते हैं. ओके, सो अरिथमेटिक मीन के अपने आप में कुछ लिमिटेशंस भी है, और कई बार एवरेज जो है वो एक दो बहुत बड़ी वैल्यूज के कारण एकदम ऊपर पुल हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अरिथमेटिक मीन का एक लिमिटेशन बताता हूँ. मान लो एक गांव में देर आर से देर इज वन फैक्ट्री वेर देर आर से 4 ओनर्स. ओके, 4 ओनर्स है वो फैक्ट्री के.
एंड उनकी इनकम है ₹5 लाख, 5 लाख रुपए वो लोग कमाते हैं एक महीने में, चारों ओनर 5 लाख रुपए ईच, एंड दे हैव 100 employees, 100 workers, जो लोग हर वर्कर कमाता है ओनली ₹10,000. अब वो फैक्ट्री में या वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज इनकम फॉर अ पर्सन, व्हाट इज द एवरेज इनकम फॉर अ पर्सन, तो यहां पर अगर आप अरिथमेटिक मीन लगाते हो तो देखिए आपका आंसर क्या आता है. आप अरिथमेटिक मीन लगाओगे तो आप बोलोगे कि सबका इनकम का टोटल कर दो, तो 5 लाख + 5 लाख + 5 लाख + 5 लाख 20 लाख हो गया, और 100 employees को 10,000 मिल रहा है, तो 10,000 × 100, समझ में आ रहा है, 10 लाख. तो टोटल इनकम हो गई टोटल इनकम ऑफ ऑल द वर्कर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, तो टोटल इनकम हो गई 30 लाख. 10,000 × 100 कितना होता है, 10 लाख. 5 लाख × 4 20 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पर्संस 104. तो देख लो 30 लाख डिवाइडेड बाय 104 कितना आ गया एवरेज, 28,846 मेरा एवरेज आया. ऐसे केस में मैं बोलूंगा ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग 28,846 रुपीस. तो क्या ये आगे कोई डिसीजन मेकिंग करना है तो उसके लिए बहुत सही एवरेज है क्या? फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इनकम को ध्यान में रखते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई शॉप सेटअप करना है, ओके से एक रेस्टोरेंट मुझे डालना है और वो रेस्टोरेंट का मुझे प्राइसिंग डिसाइड करना है. तो अगर मैं ये मान के उस रेस्टोरेंट का प्राइसिंग डिसाइड करूं कि भाई यहाँ पर तो एक पर्सन 28,000 रुपये कमाता होगा, तो मैं चीज़ों का प्राइस 100 रखता हूँ, तो और फिर मैंने देखा कि रेस्टोरेंट चालू हुआ और चल ही नहीं रहा है, ओके कभी कभार कोई कोई आके ले लेता है लेकिन जिस लेवल पे चलना चाहिए था चल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर मेरा डिसीजन गलत हो गया, करेक्ट और नॉट? मैंने क्या किया, टोटल इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स कर दिया और अल्टीमेटली आई केम टू एन एवरेज जिसका मुझे यूज नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर अरिथमेटिक मीन की बजाय इट वुड हैव बीन बेटर इफ आई वुड हैव सीन कि 104 में से मैक्सिमम लोगों की इनकम क्या है. यहाँ पर मोड वुड हैव बीन अ बेटर एवरेज कि भाई कौन सी ऐसी इनकम लेवल है जिसमें मैक्सिमम लोग बैठते हैं, क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट शुरू करना था तो मुझे मैक्सिमम लोगों की इनकम लेवल क्या है उसके हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड करना पड़ेगा. ओके ये मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल दिया. अब ऐसा बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में जब प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करती हैं तो वो लोग भी जैसे कि से पब्लिशिंग कंपनी है, बुक की कोई पब्लिशिंग कंपनी है, सेम पब्लिशिंग कंपनी फॉरेन में वो बुक के लिए 1,000-2,000 रुपये चार्ज करती है, लेकिन इंडिया में वो बुक के लिए 200-250 रुपये से ज़्यादा नॉर्मली चार्ज नहीं करती है. क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में एवरेज इनकम ये सभी की इनकम बहुत कम है, इंडिया में एवरेज इनकम भी काफ़ी है. ओके आप अगर पर कैपिटा इनकम की बात करते हो, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, इट इज़ द टोटल वेल्थ और टोटल इनकम ऑफ द नेशन, ओके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्संस और द पॉपुलेशन, दैट इज द इनकम पर कैपिटा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो अगर वो देख लिया मैंने तो बहुत सारे जो नीचे के लोग हैं जिनकी इनकम बहुत कम है वो लोग के लिए मैं प्रोडक्ट बना ही नहीं पाऊंगा, और जो बहुत रिच लोग हैं वो लोग वैसे भी मेरे शायद वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे. सो आई विल हैव टू कंसीडर कि मैक्सिमम लोग कौन से लेवल पे है एंड मैं किन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ. तो यहाँ पर जब मैं रेस्टोरेंट पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, सो इट वुड बी बेटर इफ आई इंस्टेड ऑफ अरिथमेटिक मीन आई सी सम अदर काइंड ऑफ एवरेज, दैट इज कि मैक्सिमम लोग कौन से लेवल पे है. तो 104 में से 100 लोग तो 10,000 के लेवल पे है, तो उनके हिसाब से अगर मैं उस रेस्टोरेंट का प्राइसिंग डिसाइड करता था तो फिर शायद वो ज़्यादा चलता था, क्योंकि सिर्फ वो चार लोगों के भरोसे रेस्टोरेंट चलेगा नहीं, और वो चार लोग तो इतना कमाते हैं कि वो आपके रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे, वो लोग तो 5-star होटल में जाएंगे, और बाकी के 100 लोग इतना कम कमाते हैं कि वो भी आपके रेस्टोरेंट में रेगुलरली नहीं आ पाएंगे. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एवरेज गलत उठाने से, ये एवरेज है, ये 28,000 एवरेज है, लेकिन हम लोग ने जो 28,000 उठाया इस केस में उसका काम नहीं आया, उल्टा बैकफायर कर गया. सो एवरेज गलत उठाने का भी इम्प्लीकेशन होता है. एंड व्हाट इट आल्सो शोज इज दैट अरिथमेटिक मीन इज नॉट अ परफेक्ट एवरेज, इट इज फ्लक्चुएटेड, इट गेट्स अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम्स. यहाँ पर 104 में से
सिर्फ चार ऑब्जर्वेशन बहुत एक्सट्रीम थी, एक्सट्रीमली हाई थी, सिर्फ चार ऑब्जर्वेशंस। तो वो चार ऑब्जर्वेशन के कारण हमारा जो अदरवाइज एवरेज 10,000 आने वाला था वो काफी बढ़ गया, 10,000 के ऑलमोस्ट 3 times तक के पहुंच गया सिर्फ चार ऑब्जर्वेशन एज अगेंस्ट 100। तो एवरेज इज वेरी मच फ्लक्चुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई वैल्यूज। अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा हूं, ये उसका शॉर्टकमिंग है। बट दूसरा एंगल से देखें तो ये उसकी अच्छी बात है कि भाई उसमें सभी कंसिडर होते हैं, एवरी आइटम इज कंसिडर्ड व्हेन यू कैलकुलेट द एवरेज। सभी का इनकम को ऐड किया, सभी का डिनोमिनेटर में हम लोगों ने नंबर लिया। तो इट डिपेंड्स, इट प्योरली डिपेंड्स कि आपका पर्पस क्या है एवरेज को यूज करने का। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब कोई पर्टिकुलर बैट्समैन, मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर सीरीज में से ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की टीम गई और वहां पर वो बैट्समैन फॉर्म में नहीं था, वो सीरीज में बैट्समैन ने बहुत कम स्कोर किया, 0, 2, 4, 6, लेकिन इन जनरल अदरवाइज हर सीरीज में वो बैट्समैन बहुत अच्छा खेलता है, से रोहित शर्मा। तो हम लोग सिर्फ वो सीरीज के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते, हम देखते कि भाई ऑन एन एवरेज ये बैट्समैन बहुत अच्छा है, ऑन हिज डे वो अपने टीम को मैच जिता सकता है। सो एवरेज इज नॉट द ओनली टूल, उसके साथ साथ में आपको कॉमन सेंस एंड बाकी फैक्टर्स को भी अप्लाई करना होता है। सो कभी भी लकीर के फकीर नहीं बनना, जो आपको एवरेज के बारे में दिया है, उस एवरेज आपने निकाला है, दैट कैन बी वन ऑफ द पैरामीटर्स, वन ऑफ द इनपुट्स फॉर मेकिंग डिसीजन, बट एवरेज इज नॉट एन एंड बाय इटसेल्फ, इट इज अ मींस। ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आई होप यू अंडरस्टूड। चैट में आई होप लास्ट पिया ने लिखा है, क्योंकि कभी कभार ना मेरा चैट गुड। तो अब मेरे पास में कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं और एवरेज निकालते हैं। बोलो सर, आपने वो जो एक्सट्रीम वैल्यूज की वो जो बात की थी वो थोड़ा समझा नहीं। ये देखो, यहाँ पर 100 एम्प्लॉइज का 10,000 रुपए का इनकम है, ठीक है लक्षिता, एंड चार ही एम्प्लॉइज, चार ही लोगों का 5 lakh का इनकम है। तो सिर्फ वो चार लोगों के कारण हमारा एवरेज कितना ज्यादा ऊपर चला गया, अदरवाइज जो 10,000 आता था एवरेज कितना ज्यादा ऊपर चला गया हमारा, 28,000 हो गया। तो वो एक्सट्रीम वैल्यू के कारण हमारा एवरेज अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब मान लो लक्षिता, मान लो मैं और एक पर्सन को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, एक और इनका माफिया आ गया, वन माफिया हु हैज इनकम ऑफ 20 lakh, जो 20 lakh रुपए पर मंथ कमाता है। ओके, उसके जो भी तरीके है उससे, तो 20 lakh और ऐड कर दो आप इनकम में, तो 30 lakh प्लस 20 lakh कितना हो गया? 50 lakh। 50 lakh डिवाइडेड बाय 105 करो, तो अब देखो एवरेज कितना हो गया लक्षिता, एक्सट्रीम वैल्यू के कारण। अब नया एवरेज कितना हो गया, न्यू एवरेज, एक माफिया को अगर अपने ऐड कर दिया तो 50 lakh डिवाइडेड बाय 105, 47,619 हो गया न्यू एवरेज। मतलब एक एक्सट्रीम वैल्यू के कारण हमारा एवरेज कितना बढ़ गया, दिख रहा है आपको? यस सर। तो एक्सट्रीम वैल्यूज के कारण भी हमारा कई सारा कैलकुलेशन डिस्टॉर्ट हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है ना, आगे की डिसीजन मेकिंग में मिस्टेक्स हो सकती है। सो नाउ टू बिगिन विद, वी विल स्टार्ट विद अरिथमेटिक मीन। ओके, वी विल बी जस्ट राइट नाउ कंसर्न्ड विद द अल्टीमेट कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यूज, लेकिन उसका यूज क्या है वो आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन पे हिसाब से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपल रोल नंबर वाइज मार्क्स दिए हैं और आपको बोला है कि भाई कैलकुलेट द मार्क्स अरिथमेटिक मीन। कितना सिंपल है, क्या करेंगे आप, क्या करोगे, पूरे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, देखो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स। ये वन मतलब स्टूडेंट नंबर वन है, टू मतलब स्टूडेंट नंबर टू है, क्योंकि तो इसका मतलब ये नहीं है कि दो स्टूडेंट को 15 mark मिले, रोल नंबर टू है वो, ठीक है, वो स्टूडेंट का आइडेंटिटी नंबर है। तो सब मार्क्स को टोटल करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे, इजंट इट सो सिंपल, सबका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपने ऑब्जर्व किया। कितना हो रहा है टोटल, 5 + 15 + 6, बेटा टोटल पूछा कितना हो रहा है, 180 डिवाइडेड बाय 6, तो अरिथमेटिक मीन आ गया 30। अ वेरी सिंपल थिंग है ना, जो कि हम लोग थोड़ी देर पहले नंबर ऑफ एपिसोड्स में कर चुके थे। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना, सिंपल अरिथमेटिक मीन का ऐसा कैलकुलेशन करना है
बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली आने वाला नहीं है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इसमें अलग अलग वेरिएशन देखते हैं। अब आपको सेकेंड केस में क्या दिया है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है आपको, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है एंड मार्क्स को अपन एक्स मान लेते हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट को एफ मान लेते हैं। ओके, मैं उस हिसाब से इसको लिख देता हूँ। से आपको दिया हुआ ऐसा है कि टोटल फाइव मार्क्स 10 स्टूडेंट्स को मिले, 15 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स को मिले, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आई होप यू नो दिस ऑलरेडी, है ना, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा ही नहीं है। ओके, जिन लोगों के लिए पूरा नया है, बाकी लोगों के लिए तो बहुत सिंपल होगा, कोई इशू की बात नहीं। देन 25 मार्क्स 30 स्टूडेंट्स को मिले। अभी जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो मैं आपके कमेंट्स नहीं देखूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो आंसर फटाफट निकाल के लिखोगे एंड विच इज ऑब्वियस, आंसर बुक में भी छाप के दिया है मैंने, तो आई विल नॉट बी कंसर्न। आपको लिखना है, आप लिखो चैट में, ओके, जिसको बताना है कि देखो मेरे को तो आता है, लिखो, लेकिन अभी मैं चैट में नहीं देखूंगा। किसी को डाउट पूछना है तो माइक ऑन करके पूछेंगे। 35 मार्क्स 40 स्टूडेंट्स को मिले, 45 मार्क्स 50 स्टूडेंट्स को मिले एंड 55 मार्क्स 60 स्टूडेंट्स को मिले। अब ध्यान से समझिए इस बात को। अब इससे हमको एक चीज तो पता चल गई कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। मार्क्स के कॉलम का टोटल मत लगा देना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना। आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए कितने हो गए बेटा, 60 + 60 + 60 + 30, 210 हो गए, 210 स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो अब क्या करना है अपने को, 210 स्टूडेंट्स है। आप ये मत देखो, टेबल मत देखो, आप बस ये इमेजिन करो कि 10 स्टूडेंट खड़े हैं जिनको 5 मार्क मिले हैं, उसके बाद 20 स्टूडेंट खड़े हैं जिनको 15 मार्क मिले हैं। ओके, ऐसे 210 स्टूडेंट है क्लास में, विच इज पॉसिबल। तो अब इस केस में एक काम करते हैं, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट से याद आ रहा है कि आप लोगों की टेस्ट भी तो लेना है, तो एक काम करते हैं, ये वाले वीकेंड को आपकी मैथ्स और स्टैट्स की टेस्ट रख देते हैं, ठीक है। तो कल नीरज सर की क्लास में हम लोग टेस्ट का अनाउंसमेंट कर देंगे, और जो टेस्ट है ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेगी। ओके, वो टेस्ट इसी टीम्स ऐप पे ही आप लोगों के लिए डिजाइन करके हम लोग असाइनमेंट टैब में दे देंगे। ओके, तो कल सुबह नीरज सर की क्लास में वो टेस्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, मैथ्स और स्टैट्स की कंबाइंड टेस्ट रहेगी। एंड टेस्ट जो है वो, उसके लिए आपको हम लोग स्लॉट दे देंगे, संडे का दिन भर का स्लॉट। ओके, रात को 12 बजे के बाद पूरा संडे 24 आवर्स के बीच में कभी भी कर सकते हो, 12 से 12 के बीच में। ओके, वो टेस्ट ओपन रहेगी उतने समय के लिए, एंड आई होप इट इज फॉर सेल्फ असेसमेंट। तो अपने को दूसरों के साथ में क्वेश्चन पेपर शेयरिंग और ये सब काम नहीं करना है, आंसर शेयरिंग का काम नहीं करना है। तो फिर अपने आप डेटा कलेक्ट हो जाएगा कि इतने स्टूडेंट को इतने मार्क्स मिले, इतने स्टूडेंट को इतने मार्क्स, फिर वो डेटा मैं आप लोगों को भेज दूंगा, और अगले वीकेंड का असाइनमेंट कि भैया उस पे मीन निकालो, उसका मीडियन निकालो, उसका मोड निकालो, है ना, कितना सही है ना। अपन एक्चुअल मार्क्स के डेटा को बना लेंगे आपकी टेस्ट लेकर के। तो आपकी टेस्ट होने वाली है स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर और मैथमेटिक्स का भी अभी एज ऑफ नाउ फर्स्ट चैप्टर। ओके, इंडाइसेस एंड रेशियो प्रोपोर्शन शायद आपका फर्स्ट चैप्टर था, स्टिल नीरज सर से कंफर्म कर दूंगा। नहीं बेटा, मैं ये नहीं बताने वाला था, मैं कुछ और बताने वाला था जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सर आज आपकी क्लास 12:15 तक नहीं है, आज 11:30 बजे तक ही है। हाँ भाई, मुझे याद है। हाँ, सो अब यहाँ पर पांच मार्क 10 स्टूडेंट को मिले हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 मार्क 10 बार ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को तो टोटल मार्क्स चाहिए। तो 5 + 5 + 5 + 5 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अपने को मिलेगा कि टोटल 5 मार्क कितने लोगों को मिला है, टोटल 5 मार्क्स वालों का टोटल कितना है, तो आंसर आया 50। देन 15 मार्क 20 स्टूडेंट को मिला, तो ऐसा 15 + 15 + 15 ऐसा 20 टाइम्स ऐसा करना पड़ेगा अपने को टोटल, तो कितना आया, 15 + 15 + 15 करके देखो कैलकुलेटर में, 20 बार करोगे तो क्या आएगा, मेरी गट फीलिंग कह रही है, देखो मैं सुबह ना रियाज करता हूँ, रोज सुबह उठ करके मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं नीरज सर जितना थोड़ी ना मैथ्स में स्मार्ट हूँ, तो मेरी गट फीलिंग कह रही है कि 300 आएगा। देखो बरा आप लोगों का क्या आ रहा है,
ये हुई ना बात, तो प्रवेश ने बोला सर मल्टीप्लाई कर दो। हाँ यार काय को अपना दिमाग लगाना, देखो अपन क्या कर रहे हैं, उतने बार ऐड कर रहे हैं। मैंने 5 नंबर को 10 टाइम्स ऐड कर दिया, मैंने 15 नंबर को 20 टाइम्स ऐड कर दिया, 25 नंबर को 30 टाइम्स ऐड कर दिया। बेसिकली इफ यू रिमेंबर व्हाट यू हैड स्टडीड इन स्टैंडर्ड 3 और मे बी स्टैंडर्ड 2, आई डोंट नो, क्योंकि मेरी जो भतीजी है वो अभी पढ़ती है, कि मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं जो रिपीटेड एडिशन कर रहा हूँ, मैं आपको ये प्रूफ करने चाह रहा हूँ कि हमारा जो फॉर्मूला है ना समेशन एक्स अपॉन एन, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं, वही फॉर्मूला हम लोग ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन बस क्योंकि यहाँ पर एक्स की एक वैल्यू बहुत बार रिपीट हो रही है, तो उसको बार बार सम करने की बजाय हम लोग उसका सम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 + 5 + 5 + 5 10 बार करने के बजाय हम लोग करते हैं 5 × 10 = 15, 15 × 20 = 300। वेरी गुड, यही तो मैं चाहता था कि आपको समझ में आ जाए कि अरे क्या टाइम पास कर रहे हैं, सीधा मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते सर, 750। सो मतलब देखो मेरे को आपको क्या पढ़ाना पड़ रहा है कि मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। सो 35 × 40 = कितना होता है 1400। इस तरीके से अपने को क्या करना है, अपने क्या किया, क्या अल्टीमेटली अपने किया x इंटू एफ, अपन ने वैल्यूज इंटू फ्रीक्वेंसी कर दिया और हमको हर एक वैल्यू के लिए एक क्यूमुलेटिव टोटल वैल्यू मिलती जा रही है, ओके। लेकिन ये टोटल का फिर और टोटल लगाना होगा, 45 × 50 कितना होता है 2250, एंड 55 × 60, अरे आप लोगों को तो कैलकुलेटर भी अलाउड है, 3355 × 60। तो ऐसे करके हमको टोटल मिल गया भाई। अब टोटल क्या है, ये जो टोटल मिलेगा दैट विल बी नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स। अगर हम पहले एक्स इंटू एफ कर दिए और फिर उसका टोटल लगाए, तो दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स ओनली, ओके। आप डायरेक्टली यहां पर टोटल नहीं लगा सकते हो, दिस विल बी रॉन्ग, फर्स्ट कॉलम का टोटल, इसलिए आप, क्योंकि हर आइटम एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, जैसे 5 10 times हो रहा है, 15 20 times हो रहा है, तो आपको पहले तो उसको एफ से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर x into f करके आपको टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस मिल जाएगा। तो क्या आता है देख लीजिए, 50 + 300 + 750 + 1400 + 2250 + 3300, सो टोटल आ गया 8050। क्या बोलते हैं बेटा, 8050 टोटल आ गया। इसको अपन प्यार से बोलते हैं समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स या समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ, आप कुछ भी बोलो, पहले एफ बोलो पहले एक्स बोलो, चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, एफ एक्स बोलो या एक्स एफ बोलो, ठीक है। अरे 7780 आ रहा है क्या आकांक्षा, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। नहीं सर, नहीं सही है, सही आ रहा है, बराबर है, ओके। तो 8050 आ गया टोटल। अब एवरेज निकालना है। अब अपने पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको अपन ने ऐड किया है, ऐसे एक एक करके देखो, अपन ने टोटल 210 आइटम ऐड किया है तब जाके 8050 मिला है, और 8050 टोटल वैल्यू है। तो ऐसे केस में अपना अरिथमेटिक मीन आ गया। आपको बहुत बेसिक लग रहा होगा आज की क्लास, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डीपर थिंग्स। अरिथमेटिक मीन आएगा समेशन एफ एक्स अपॉन एन, वेर एन इज नथिंग बट समेशन एफ। देख लीजिए, समेशन एफ मतलब कि एफ के कॉलम का टोटल 210, तो 8050 डिवाइडेड बाय 210, तो आ गया 38.33333। डिवाइडेड बाय 210, तो अरिथमेटिक मीन आ गया 38.33। हम लोग को कितने डिजिट तक रखना है वो हमारी चॉइस है, ओके, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो इस तरीके से अगर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अरिथमेटिक मीन इज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, विच इज द सेम थिंग। ओए जीरो क्यूट लगा आपको,
सो क्वेश्चन नंबर वन एंड टू समझ में आ गया आप लोग को? क्वेश्चन नंबर वन एंड टू वेरी सिंपल, समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड। अब एक लास्ट चीज आज के लिए कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते अगली क्लास में, जिसके पहले आपकी एक टेस्ट हो जाएगी। ओके, ये जो रेज हैंड का ऑप्शन है ना, ये तो मेरे ख्याल से एक डिस्टर्बेंस ही बन जाएगा, क्योंकि आई विल नॉट बी एबल टू गो एंड सी एवरी टाइम ना किसने रेज हैंड किया। और किसी को कुछ बोलना है तो अपने क्लास में तो वैसे ही फोरम ओपन है, माइक ऑन करने में तो अपन वैसे भी नहीं हिचकिचाते हैं। सो देख लीजिए अब क्या करना है, अगले इसमें आपको ना मार्क्स की रेंज दिया है कि 10 स्टूडेंट्स को 0 से 10 के बीच में मिले हैं, 20 स्टूडेंट्स को 10 से 20 के बीच में मिले हैं, 30 स्टूडेंट्स को 20 से 30 के बीच में मिले हैं। ऐसे केस में क्या कर सकते हैं अपन, ये मार्क्स का अपन क्लास लिख सकते हैं। ओके, क्लास क्या है, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30। ओके, ये अपन ने उसकी क्लासेस लिख लिया और उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लिया। इस टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने को पता है, इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। करेक्ट, फ्रीक्वेंसी या तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 20, 30, 40, 50, 30। क्या करना पड़ेगा अब यहां पर, तब यहां पर ये पूरी क्लास में से जीरो लेना कि 10 लेना 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो द थिंग इज कि भाई बीच की वैल्यू ले लो, क्यों झंझट करना है ना, क्या लेने का, बीच की वैल्यू लेने का। सो वी टेक द मिड वैल्यू दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्लास मार्क। देखो हम लोग ने पिछले चैप्टर में ये टर्म पढ़ा था क्लास मार्क, जिसको हम लोग एक्स बोल देंगे, और फ्रीक्वेंसी को तो अपन एफ बोल ही रहे हैं, और फिर सेम काम करने का है, मिड वैल्यू लेने का है। तो मिड वैल्यू क्या आ गई, देखे ध्यान से, 0 से 10 की मिड वैल्यू या क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 है ना, मिड वैल्यू दोनों के बीच में क्या है, तो लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 5, ये आ गया 15, 25, 35, 45 एंड 55, ये मिड वैल्यू मिल गई। क्योंकि अब एवरेज तो निकालना है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू लेकर के चलना पड़ेगा ना, तो अपन लोग मिड वैल्यू को ले लेते हैं एज एक्स, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द क्लास अपन हर क्लास की एक एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को उठा लेते हैं। तो अब बस कुछ नहीं, अब क्या करना है, अब आगे सेम काम जो पहले किया था, एक्स इंटू एफ कर दो। अब मैंने डेटा बहुत ईजी रखा है आप लोगों के लिए, जो फिगर्स लिए हैं 20, 750, 1400 सेम चीज है, 2250 एंड 55 इंटू 30 कितना होता है, 2750 ही था ना, 55 इंटू 30 है, फ्रीक्वेंसी 30 है बेटा कि 60 है, 30 है तो अलग आएगा बेटा। सोमेश अपना देखो, ध्यान दो क्वेश्चन में, तो समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ करो, फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दो, मैंने चेंज कर दिया था इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आने का। 50 प्लस 300 प्लस 750 प्लस 1400 प्लस 2250 प्लस, सर आप सर अब 1750 होगा ना, हाँ 1650, तो अब करेक्ट टोटल लगा लो, 1650 प्लस 2250 प्लस 1400 प्लस 750 प्लस 350, तो टोटल हो गया 6400 समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ। और टोटल फ्रीक्वेंसीज हो गई आप देख सकते हैं 180। ओके, दिस इज समेशन ऑफ एफ एंड दिस इज समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स। यहां पर हमने एक्स को मान लिया कि भाई हर स्टूडेंट 5 मार्क वाला है पहले क्लास में, अगली क्लास में 15 मार्क वाला है, ऐसा मान लिया। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो बस अब यहां पर आप अरिथमेटिक मीन निकाल लो, एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, 6400 डिवाइडेड बाय 180। सो ये एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मिल गया कि भाई ऑन एन एवरेज इस क्लास 35.55 एक स्टूडेंट को 35.55 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, सो ऐसा अपने को कैलकुलेशन करना है, विच इज वेरी सिंपल। आई होप ये चीज तो आपको आती ही थी। जो लोग स्टैटिस्टिक्स के लिए नए हैं,
आई वॉन्ट कि ऐसे लोग मुझे अलग से एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताए कि सर आई हैव नॉट स्टडीड स्टैटिस्टिक्स अर्लियर, तो मुझे एक आइडिया आएगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं. ओके, आई डोंट माइंड कितने हो आप, मैं आपको जज नहीं करूंगा, इनफैक्ट आई विल इवन वर्क हार्डर फॉर यू ऑल. ओके, सो आप मुझे अलग से व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि सर आई एम न्यू टू स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल्सो लेट मी नो वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल नाउ और नॉट. ओके, तो अभी तक आज के लिए इतना, इसके आगे हम लोग और थोड़ा थोड़ा और नए नए टाइप के केसेस देखते जाएंगे. अब आ जाते हैं आपके अनाउंसमेंट वाले पार्ट पे, आ जाए. तो मैं आज की रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर देता हूँ, अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर देता हूँ. यार रुक जाओ, रिकॉर्डिंग में रहने देता हूँ अनाउंसमेंट. देखिए आप लोगों के लिए ये ट्यूसडे को हम लोगों ने इतना जबरदस्त एक इवेंट प्लान किया है. श्रुति जोशी मेरी स्कूल की फ्रेंड है जो कि अभी मुंबई में वहां पर L&T ग्रुप जो है, ओके, एशियन पेंट्स में वहां पर ह्यूमन रिसोर्स को लीड कर रही है, एज इन शी इज कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड शी इज अ मैनेजर इन द टैलेंट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एज यू कैन सी. एंड वी आर हैविंग दिस लाइव वेबिनार फॉर यू ऑल, इंटरैक्टिव लाइव वेबिनार फॉर यू ऑल, स्पेशली फॉर यू ऑल, एक्सक्लूसिवली फॉर यू ऑल. आपके ही चैनल में होगा, आपके ही टीम में होगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी होगा. 19th में ट्यूजडे को प्लान किया है इवनिंग में. ओके, आपके रेगुलर बाकी क्लासेस रहेगी जैसी है वैसी, बिकॉज वी थिंक एट डीजी शर्मा स्कैप्स हमारा पहले से ही ये माइंड सेट रहा है, वेदर शर्मा सर रहे, नीरज सर है, मैं हूँ, बाकी टीचर्स है, कि स्टूडेंट्स का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो होना चाहिए. एंड वी नो दैट यू ऑल आर ऑसम स्टूडेंट्स, है ना. आप लोगों के परफॉर्मेंस से भी मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, अभी तक भी पार्टिसिपेशन अच्छा किया है एंड आपने ऑलरेडी हमको सबसे पहले ट्रस्ट किया ये सिचुएशन में. तो हम लोग आपको सिर्फ जितना बेयर मिनिमम जरूरी उतना नहीं देना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू जस्ट थ्रिल यू कि भाई इतना कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, हम इतना कुछ सीख रहे हैं. सो दिस सेशन इज देयर, इंटरैक्टिव सेशन इज अवेलेबल फॉर यू ऑल, जिसका टाइटल श्रुति ने हमको सजेस्ट किया, ग्रोथ माइंडसेट. एंड लेट मी टेल यू अबाउट श्रुति अ लिटिल बिट. स्कूल में हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं एंड वी बोथ वर स्कूल कैप्टन. वो गर्ल्स में थी, मैं बॉयज में स्कूल कैप्टन था. एंड हम दोनों क्लास में फर्स्ट और सेकेंड की पोजिशन शेयर करते थे. एंड उसके बाद जर्नीज ऑब्वियसली अलग अलग रही. शी डिड हर इंजीनियरिंग फ्रॉम पुणे एंड देन शी हैज स्टडीड फ्रॉम 8 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड वन ऑफ विच इज अ वेरी प्रेस्टिजियस XLRI फ्रॉम जमशेदपुर. ओके, HR वहाँ से करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है. एंड शी इज डूइंग रियली वेल इन हर प्रोफेशन. वो बहुत सारे कॉर्पोरेट लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती है. नाउ मेरे स्टेटस देखती थी एंड स्टूडेंट्स का रिएक्शन देखती थी, तो उसको लगता था कि मैंने भी इस लेवल के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए. एंड आई थॉट कि इट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो कि श्रुति कम्स एंड इंटरेक्ट विथ यू ऑल. एंड नाउ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज पॉसिबल. तो वो मुंबई में बैठ करके अपने लैपटॉप से आपके लिए वेबिनार करेगी एंड हम लोग यहाँ पर अपने अपने जगह पे अपने अपने घर से अटेंड करेंगे. एंड आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बिकॉज इट इज ऑल अ डिफरेंस ऑफ माइंडसेट, द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स. तो आप ये वेबिनार बिल्कुल अटेंड कीजिए. आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड टू अटेंड दिस एंड दिस. ये सब चीजें आपके लिए बोनस हम लोग करवाते रहेंगे. मेरा भी देखो, मेरा भी इवनिंग टाइम जाएगा, मेरा भी 4:30 तक तो क्लास रहता है CBSE का, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये सब करने को रेडी हूँ बिकॉज आई पर्सनली बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज एक्टिविटीज. पहले भी हम लोग कैप्स में करते थे और अभी भी भले ही सब चीज ऑनलाइन हो गई तो भी करते रहेंगे. सो ओके, सो आई वॉन्ट टू नो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दिस वेबिनार, वेदर यू आर एक्साइटेड. एंड यू कैन ऑल्सो, आई विल ऑल्सो डिजाइन अ फॉर्म फॉर यू वेर यू कैन सेंड एनी क्वेश्चन इफ यू हैव इन एडवांस. शी इज अ टैलेंट लीडर मैनेजर एंड आप अपने माइंडसेट से संबंधित कुछ पूछना चाहते हो, पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई में बहुत अच्छी रही है, बहुत टैलेंटेड है, ओके, स्किलफुल है, पूछ सकते हैं आप लोग मुझे, ठीक है. सो वी विल हैव दिस सेशन एंड आई विल शेयर दिस इमेज विथ यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो. चलिए, सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय. कल आपके टेस्ट का अनाउंसमेंट कर देंगे जो कि संडे के दिन लाइव रहेगी. संडे के दिन आपको टेस्ट सबमिट करना है. चलो, बाय बाय. Thank you, bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you so much, sir. Good day. Good day. Bye, bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a great day. Thank you.
थैंक यू बाय बाय आई एम एंडिंग द मीटिंग ओके